नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे SBI की 420 पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, मोदी की छाती 56 इंच की पर उठे सवाल की, कांग्रेस की यूज एंड थ्रो की सोच बताकर फंसी भाजपा सरकार की, आचार संहिता लगते ही 6 राज्यों पर ईसी ने गिराई काज की, बात करेंगे यूट्यूबर एलविश यादव के चौंकाने वाले खुलासे की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में चुनाव आयोग भी BJP के दबाव में काम कर रही है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों पर गिराई काज, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के गृह सचिवों को हटाने का दिया आदेश, वहीं बंगाल के DGP भी इस लिस्ट में शामिल। चुनावी बोन का संपूर्ण डेटा देने में SBI कर रही 420। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार, चीफ जस्टिस बोले कि बोन नंबर समेत 21 मार्च तक टोटल जानकारी दे SBI, साथ ही हलफनामा भी दे कि बैंक ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। आप नेता सत्येंद्र जैन को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर का दिया आदेश। बता दें कि पिछले 10 महीने से ही मेडिकल बेल पर चल रहे थे जैन। मोदी की छाती 56 इंच की नहीं, वो अंदर से खोखले व्यक्ति हैं, न्याय यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी, साथ ही कहा कि मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना को बनाया अपना ATM स्टेट, PM मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले कि यहां से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल झूठ और साजिश के लिए किया जा रहा। जिस प्रकार तोते की जान राजा में बसी थी, उस प्रकार मोदी की जान EVM में बसी है, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का प्रधानमंत्री पर तंज, बोले कि EVM के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। 400 पार की बात करने वाले खुद 420 अभिनेता प्रकाश राज का भाजपा सरकार पर वार, बोले फैसला जनता करेगी, किसी के कह देने से 400 सीटें खाते में नहीं आ जाएंगी। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने दिया अपने पद से इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक BJP से लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। नागालैंड में दी जा रही लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी, हफ्ते भर से अलग राज्य की मांग को लेकर बंद जारी, वहीं जरूरी सामानों को लेकर हो रही कालाबाजारी। जो नेता देवी देवताओं के खिलाफ बोले उन्हें तुरंत जेल में डालो, राहुल के शक्ति के विरोध वाले बयान पर भड़के आचार्य सत्येंद्र दास, साथ ही कहा कि यही कारण है कि पार्टी के हालात खराब हो रही हैं, क्योंकि यह एक हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस की सोच यूज एंड थ्रो, इसलिए इंडी गठबंधन बना, आंध्र प्रदेश में बोले PM मोदी, साथ ही कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए NDA की ताकत बढ़ रही। यूट्यूबर एलविश यादव ने किया चौंकाने वाला कबूलनामा, बोले कि हाँ मैं पार्टियों में सांपों और उनके जहर की करता था सप्लाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ही पूरी साजिश के मुख्य आरोपी और सरगना, CBI ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले कि जिस दिन इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ उस दिन उन्होंने अपना फोन नष्ट किया। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, फैसला आने तक वोटिंग सदन से दूर रहने का दिया आदेश, वहीं 6 मई तक उपचुनाव पर भी लगाई रोक। इस बार इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, राहुल के बयान पर प्रधानमंत्री ने किया पलटवार, बोले कि मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का स्वरूप, इनकी रक्षा के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। बता दें कि राहुल ने एक दिन पहले कहा था कि राजा की आत्मा EVM, CBI, ED और इनकम टैक्स में है, और इन्हीं के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे हैं, और हमें इस शक्ति के खिलाफ लड़ना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर लगा झटका, कमलनाथ की गरीबी शैयद समेत 65 नेता भाजपा में हुए शामिल, कुछ बोले कि राहुल गांधी का नाम ही कंफ्यूजन, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। शेयर बाजार में हरे निशान के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत, सेंसेक्स 104 अंकों की तेजी के साथ 72,748 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 32 अंक बढ़कर 22,055 पर हुआ बंद। सोने चांदी की कीमतों में हुई बंपर गिरावट, सोना 65,270 प्रति 10 ग्राम पर आया, तो वहीं चांदी भी 74,000 के नीचे आई। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी बोन को लेकर SBI की 420 की। जी हां, इलेक्टोरल बोन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर SBI को फटकार लगाई है, तो क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और आज के इस बुलेटिन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ
साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई की। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को जमकर लताड़ लगाते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि आप हमसे लुकाछुपी का खेल ना खेलें तो बेहतर होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 11 मार्च को सुनवाई करते हुए अपने फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आनाकानी करते हुए सिर्फ बॉन्ड खरीदने और उन्हें कैश कराने वालों की ही जानकारी दी, जिससे इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। वहीं बॉन्ड के यूनिक नंबर्स न होने पर भी सवाल उठाए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त लहजे में कह दिया कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारा डेटा पूरी एक्यूरेसी के साथ हमें आपकी वेबसाइट पर अपलोड करना है, और साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल को लेकर एहतियात बरतने की चेतावनी भी दी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कुछ भी छिपाया नहीं जाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अभी 21 मार्च को बॉन्ड की पूरी डिटेल वेबसाइट पर आते ही साफ हो जाएगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दलों के पास भी अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। विकल्प तो भाजपा की मोदी सरकार के पास भी अब ज्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि पीएम मोदी अब अपने हर बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ही जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सत्ता पक्ष के पास में चुनावी प्रचार के लिए ज्यादा मुद्दे नहीं बचे हैं। तो क्यों माना जा रहा है ऐसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 400 सीटों की मंशा लिए पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे देश को छान रहे हैं। इस कड़ी में पीएम मोदी सोमवार को 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक दिन पहले खत्म हुई इंडिया अलायंस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जमकर हमला बोला। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया अलायंस पर हमला बोलने का कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे। उन्होंने एक दिन पहले न्याय यात्रा के समापन पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति यानी कि बीजेपी इंडिया अलायंस की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक नकारात्मक शक्ति का मुखौटा है, जिन्होंने आज हिंदुस्तान की संस्थाओं को गुलाम बना दिया है। यह वही शक्ति है जो भारत के किसान, मजदूर, युवा, महिला, गरीब और छोटे मोटे उद्योगों को निचोड़ कर अब सब कुछ अपने चंद अरबपति मित्रों पर लुटा देना चाहती है। यह वही शक्ति है जो देश में आज भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। अब इस शक्ति को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने सोमवार को रौद्र रूप अपनाते हुए कहा कि इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, लेकिन मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी द्वारा बोले गए हमले को दूसरे रूप दे दिया है, और साथ ही तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति पर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है, मोदी जी इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तेलंगाना के जगतियाल के बाद पीएम मोदी कर्नाटक गए, यहां उन्होंने शिवमोगा में एक रैली को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने शाम को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर पर सख्त फैसले लिए जा रहा है। इस बीच आयोग ने सोमवार को सख्त रुख अपनाते हुए 7 राज्यों पर गाज गिराई। तो क्या लिया है इसी ने फैसला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। एक्शन लेते हुए आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को तुरंत हटाने का आदेश दे दिया है। बता दें कि इन राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को भी चुनाव आयोग ने हटा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने राज्य के डीसीपी को हटा दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू की एक बैठक हुई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया। हालांकि इसके अलावा कुछ फैसले और भी लिए गए हैं, जिनमें निर्वाचन आयोग ने बीएससी यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों को भी हटाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ इस एक्शन के पीछे तुरंत कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये बदलाव समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और चुनाव की प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सभी राज्यों की सरकारों को आदेश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें जो 3 साल पूरे कर चुके हैं और अपने गृह जिले में हैं। बता दें कि देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से
1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी। तो चुनाव आयोग के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आज की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।